हेलो एवरीवन, रितु इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन की बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी रेसिपी, जिसे हम मसाला बैगन कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मसाला बैगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाले बैगन लिए हैं। इसमें ये थोड़े कांटे होते हैं, इनको हम निकाल लेंगे चाकू की हेल्प से ऐसे करके। और इसका जो डंठल है ना, हम इसे निकालेंगे नहीं, बस इसको थोड़ा आगे से काट देंगे इस तरीके से। और फिर हम पीछे से इसके चार हिस्से करेंगे। और देखेंगे इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। और अब हम इसको इस तरीके से करके, आप देख रहे हो, इसको हम पानी में डाल देंगे जिससे कि ये काला ना पड़े। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैगन ले लेंगे और इसमें जो भी काटे हैं, इसी तरीके से हम अपने सारे बैगन को तैयार कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। बैगन को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल में से धुआं निकल रहा है। अब मैं इसमें कटे हुए बैगन डालूंगी। बैगन को फ्राई करेंगे। बैगन को 50% तक फ्राई करेंगे जिससे कि वे थोड़े गल जाएंगे। बैगन थोड़े जल्दी गल जाए इसलिए मैं कढ़ाई को 10 मिनट के लिए ढक दूंगी और गैस को मीडियम कर दूंगी। जब तक हमारे बैगन फ्राई हो रहे हैं, हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा टमाटर काट कर लिया है। आप दो छोटे टमाटर भी ले सकते हो। और मैंने ये 8-10 लहसुन की कली ली है, 3 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा अदरक लिया है। इसको भी मैं इसके साथ पीस लूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी ये मूंगफली डाल रही हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आता है। ये मूंगफली मैंने भुनी हुई ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे पीस लूंगी। मसाले को हमने पीस लिया है। बैगन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बैगन हमारे 50% तक पक गए हैं। बाकी के 50% हम मसाले के साथ पकाएंगे। कढ़ाई में ये ऑयल बच गया है। अब हम इसमें ही बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। बचे हुए ऑयल में मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी, 1/2 चम्मच साबुत धनिया डालूंगी। इनको थोड़ा सा रेड होने देंगे। जीरा और साबुत धनिया रेड हो गया है। अब मैं इसमें 2 बारीक कटी हुई मीडियम साइज की प्याज डालूंगी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और 3/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसको मिला देंगे। अब मैं इसमें टमाटर का पिसा हुआ मसाला डाल दूंगी। मिला देंगे अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और 10 मिनट तक मसाले को मीडियम गैस पर भूनेंगे। मसाला भून गया है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। मिला लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है। मसाले के ऊपर ऑयल आ गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूंगी
इसको मिला लेंगे। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए बैंगन डालूंगी। बैगन को मैं मीडियम गैस पर ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। बैगन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बीच में बैगन को मैंने हिला दिया था। बैगन बनकर तैयार है। अगर आपको बैगन में थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप आधा कटोरी पानी और डाल सकते हो तो आपके बैगन ग्रेवी वाले बन जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़े से धनिया के पत्ते काट कर डालूंगी, मिला देंगे। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी टेस्टी बैगन मसाला बनकर तैयार है। आप इसे चपाती पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। आप इस रेसिपी को एक बार तो बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरे बैगन की मसाले की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।